नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने मणिपुर के हिंगोंग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में हमने जो मेहनत की है उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस नींव बनाई है। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जहां सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। भारत ने आज अटारी बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान को आज हजारों टन गेहूं समेत जीवन रक्षक दवाइयां भी भेजा है। तमिलनाडु शहरी निकाय चुनाव में डीएमके सभी 21 निगमों में आगे चल रही है, जबकि एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर है। बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी के बाद सुनवाई होगी, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दिया। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली ने सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता मानकों के आधार पर बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन कार्बेवैक्स की लगभग 6.5 करोड़ खुराक को मंजूरी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 13,405 नए मामले आए, वहीं 34,226 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी के देवरिया रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार बनी तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और भी कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने हमें वोट दिया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने वेतन और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रह्मपुरी के समीप एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं, जिन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार के पास पर्याप्त खजाना है, लेकिन वह उसे खर्च नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सिम्स परिसर में लगी आग, टीबी वार्ड में भरा धुआं, आनन फानन में मरीजों को सावधानी के साथ बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवीन जिला पंचायत भवन, नवीन राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर जीर्णोद्धार व म्यूजिकल फाउंटेन का आज वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के टाहलीवाल में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 6 महिला की जान चली गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लद्दाख में आज भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा में कोलकाता के बेलिया घाट में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जहां अभिजीत के परिवार ने सीबीआई पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उड़ीसा में मैट्रिमोनी साइट के जरिए महिलाओं को फंसाकर 17 महिलाओं से शादी करने वाला साथी ठग रमेश सवाई इन दिनों कमिश्नरेट पुलिस के रिमांड पर है, जहां पुलिस अब उसके ठगी के एक एक पन्ने को खोल रही है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखरे पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, जहाँ अपने खिलाफ FIR रद्द करने की अपील की है। गुजरात कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जहां भाजपा में शामिल हुए गुजरात कांग्रेस के नेता जयराम सिंह परमार। राजस्थान के उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने मंगलवार को पशुपालन विभाग के डूंगरपुर स्थित संयुक्त निदेशालय के 3 अधिकारियों को 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सही मात्रा में चावल और घी का सेवन करने से पाचन सही रहता है,
कब्ज की समस्या नहीं होती क्योंकि घी के सेवन से बॉडी में मौजूद गंदगी भी आसानी से निकल जाती है। वहीं चावल शरीर में प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और ये पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। केंद्रीय विद्यालय आरकेपुरम सेक्टर 2 नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर इंटरव्यू के लिए वॉक इन इंटरव्यू 24 से 26 फरवरी 2022 को है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rkpuram.sector2.kvs.ac.in पर अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं। महिला क्रिकेटर ऋचा घोष ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्वींस टाउन के जॉन डेविल ओवल स्टेडियम में चल रहे चौथे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने याद किए पुराने दिन, कहा आज नए घर के बाथरूम जितने बड़े मकान में हम 4 लोग रहते थे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।